आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान और वह अध्याय है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। यह इसका पहला भाग है। इस हिस्से में हम चर्चा करेंगे नीतियां और लोग, नवाबों की छिनती सत्ता, 1856 में अवध पर कब्जा, मुगल शासन खत्म करने की योजना, किसान और सिपाही, सुधारों पर प्रतिक्रिया, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा है। इन नीतियों से राजाओं, रानी, किसान, जमींदार, आदिवासी, सिपाही, इन सभी पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ा था। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती है, जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं, इसकी जानकारी हम इस अध्याय में लेते हैं। यह चित्र दिया गया है सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए कुछ लोग हैं। यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। इसी विद्रोहों की जानकारी आज हम इस अध्याय में लेते हैं। मुद्दा है नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से राजा और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही खत्म होते जा रहे थे। उनके दरबारों में रेजिडेंट तैनात किए गए थे और यह रेजिडेंट ब्रिटिशों के लिए खबरी की तरह काम करते थे। इतना ही नहीं, यही रेजिडेंट स्थानीय शासकों के प्रशासन में हस्तक्षेप करते थे और इस तरह से स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटने लगी। राजस्व वसूल के उनको अधिकार दिए गए थे, वो भी उनके अधिकार छीने गए थे। स्थानीय शासकों के कुछ निवेदन थे, वो भी ठुकराए गए थे। जैसे कि झांसी की रानी ने दत्तक पुत्र को वारस मंजूर करने के लिए निवेदन दिया था। पेशवा बाजीराव ने भी निवेदन दिया था पेंशन के लिए, लेकिन इनको इनके निवेदन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। और इस तरह से बाद में 1856 में अवध पर भी कब्जा किया गया था। और अवध पर कब्जा करने के कारण भी उन्होंने बताया है कि यह कुप्रशासन है, जनता इनके प्रशासन से त्रस्त है और इसीलिए अच्छा प्रशासन लाने के लिए अवध को उनको कब्जे में लेना पड़ा। और कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली। ये किस तरह से कर ली है, ये इसकी भी जानकारी हम आगे देखते हैं। तो 1856 में अवध पर कब्जा किया गया था। देखिए कि 1801 में एक पहले सहायक संधि अवध पर थोपी गई थी। बाद में 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और कारण बताया गया कि गवर्नर डलहौजी ने ऐसा ऐलान किया है कि रियासत का शासन ठीक नहीं चल रहा है और शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभाव या प्रभुत्व होना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से डलहौजी ने ऐसा ऐलान करते हुए ये अवध पर कब्जा कर लिया। हमारा मुद्दा था कि मुगल शासन को खत्म करने की योजना भी ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी। किस तरह से देखते हैं कि पहली बात है कि मुगलों द्वारा कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगलों के जो बादशाह होते थे उनके नाम उन्होंने हटा दिए गए। दूसरी बात है, जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार से कोई भी लाल किले में नहीं रहेगा। उनको लाल किले से निकालकर उन्हें दिल्ली में किसी और जगह बसाया जाएगा। तीसरी बात है, गवर्नर जनरल कैनिंग ने यह भी फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर यह आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उनके बाद कोई बादशाह नहीं बनेंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उनको केवल राजकुमारों का ही दर्जा दिया जाएगा। तो इस तरह से उनकी प्लानिंग हो गई थी और यही प्लानिंग मतलब मुगल शासन खत्म करने की वह योजना थी। किसान और सिपाही की बात करते हैं, क्योंकि इसमें आदिवासी, जमींदार, किसान, सिपाही सभी लोग त्रस्त थे। तो इनमें से किसान और सिपाहियों की परिस्थिति बात करते हैं।
तो किसान जो होते हैं यह जमींदार के भारी लगान और कर वसूली के कारण सख्त तौर तरीके से परेशान थे। किसानों से जबरदस्ती से उनसे राजस्व वसूल किया जाता था। महाजनों से उन्होंने कर्ज लिया था, अगर कर्जा वो लौट नहीं पाए तो इसके कारण उनकी पुश्तैनी पुरानी पीढ़ियों की जमीनें जो थी वो भी उनसे हाथ से निकलने जा रही थी, क्योंकि अगर वो कर्जा पे नहीं कर पा रहे थे तो वो जमींदार या महाजन उनकी पीढ़ियों से जो उनके हाथ में जमीन थी वो जमीन वो अपने कब्जे में ले रहे थे। दूसरी बात करते हैं हम सिपाहियों की। ये सिपाही मतलब कौन थे? ये सिपाही ये किसान लोगों के बेटे थे और ये गांव के हालात से परेशान थे। और बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे। और जब किसानों का गुस्सा टूट पड़ा या किसान जब गुस्से में आ गए तो उसका असर सिपाहियों में भी फैल गया। और सिपाहियों की समस्या कुछ और भी थी और उसकी भी जानकारी हम लेते हैं। जैसे कि भारतीय सिपाही अपने वेतन और भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे, क्योंकि इस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जाता था। यूरोपियन सैनिकों को वेतन भत्ते सेवा शर्तों में बहुत ही सहूलियत मिलती थी, लेकिन भारतीय सिपाहियों को इसमें कोई ऐसी सहूलियत नहीं मिलती थी। उनको कम वेतन दिया जाता था, ज़्यादा काम करवाया जाता था, ठीक। और दूसरी बात है, कई नए नियम भी बनाए गए थे और इससे उनकी धार्मिक भावना और आस्थाओं पर भी आघात करते हुए नजर आते थे। जैसे कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं करना चाहते थे, उन्हें लगता था कि समुद्र पार करने से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन 1824 में उन्होंने सिपाहियों को समुद्र के रास्ते बर्मा जाने के लिए कहा गया था लड़ाई के लिए, तो सैनिकों ने वहाँ जाने से या समुद्र पार करने से इनकार कर दिया। इनकार करने की वजह से 1856 में बाद में एक नया कानून बनाया गया है और इस कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि कोई व्यक्ति या कंपनी की सेना में अगर नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। इस तरह की वो शर्त थी और इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों के धर्म और जाति में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई। जब अंग्रेज लोग इस तरह से सुधार कर रहे थे तो सुधार कहाँ कि भारतीय समाज में जिस तरह से कुप्रथा असामाजिक तत्व भरे हुए थे उनको हटाने के लिए वो कोशिश कर रहे थे। और अंग्रेजों को ये भी लगता था कि भारतीय समाज में सुधार होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भारतीय समाज में सती प्रथा और विधवा विवाह न करना इसका वो विरोध करते थे। और इसको सती प्रथा को रोकने के लिए और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए नए कानून बनाए और अंग्रेजी भाषा को भी शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। और अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो उनको अंग्रेजी भाषा अनिवार्य कर दिया है। और इस तरह से अंग्रेजी भाषा को शिक्षा में जमकर प्रोत्साहन दिया गया है। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों के लिए भी कुछ कदम उठाए, जैसे उन्होंने मिशनरियों को खुलकर काम करने के लिए और भी प्रोत्साहन दिया, जैसे कि उनको छूट दी गई कि भारत में जमीन और संपत्ति जुटाने के लिए उनको कुछ सहूलियत दे दी गई है। दूसरी बात है, 1850 के कानून में ऐसा प्रावधान रखा गया है कि जो कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है, अगर कोई व्यक्ति भारतीय व्यक्ति है ईसाई धर्म अपनाता है तो भी वो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। इसका मतलब क्या था कि भारतीय लोग अपने परिवार में से कोई अगर ईसाई धर्म अपनाता तो वो ईसाई धर्मी हो जाता था, लेकिन उसको उसके परिवार की संपत्ति में उसको हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन मिशनरियों को धर्म प्रचार करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह कानून बनाया गया है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसको अपने परिवार के मतलब हिंदू परिवार से भी उसको संपत्ति का अधिकार मिलेगा। तो इस तरह से वह प्रावधान करें। और अंग्रेज लोग धर्म रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करने की आशंका लोगों के मन में फैलने लगी, लेकिन कुछ लोग
इस तरह से जब सुधार करने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेज लोग, तो उसके वह फेवर में थे। उनको वो लगता था कि ऐसी कुप्रथा जैसे सती प्रथा है, विधवा विवाह है, इन प्रथाओं को रोकना बहुत ही जरूरी है। विधवाओं को विवाह करने का अधिकार नहीं था, वो उनको मिलना चाहिए। पति मरने के पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जलती चिता में उसको धकेल दिया जाता, यह अमानवीय प्रथा थी। और इसीलिए कुछ लोग मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे, और जो कुछ भी कर रहे अंग्रेज लोग ब्रिटिश प्रशासन की वह तारीफ करते थे। इस तरह से सुधारों की प्रतिक्रिया मिली जुली मिलती नजर आती है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम यही रुकते हैं। इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।